आपको ऐसा लगता है कि पैन कार्ड पर खरीदी होगी, तो पैन कार्ड तो बहुत सारे लोगों पर होगा और कोई भी व्यक्ति खरीद करेगा तो धोखाधड़ी हो सकती है। तो मैंने कहा ये एक विषय भी आपका ध्यान में आता है। इसी प्रकार से फार्मिंग करार का रजिस्ट्रेशन हो, ये भी ध्यान में आता है। ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, ये भी ध्यान में आता है। तो मगर ये बिंदु हैं मुख्य रूप से जो निकलते हैं। इसके अलावा कोई और विषय आपके ध्यान में है? तो उन्होंने कहा कि एक पराली वाला विषय भी है, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी है। हमने वो भी नोट कर लिया। तो हमने कहा चलो ये बिंदु हैं जिन पर निश्चित रूप से निराकरण होना चाहिए, और कल हम लोग बैठेंगे तो आप लोग भी सोच के आइए, तो इन बिंदुओं पर डिस्कस करके क्या रास्ता निकल सकता है और कैसे हम लोग इसका समाधान खोजें, इस पर अपन चर्चा करेंगे। 5 तारीख को जब बैठे तो इस पर चर्चा आगे नहीं बढ़ी और वो लोग चुप होकर बैठ गए कि हम इसमें कोई सुझाव नहीं देंगे। हमने कहा भाई एपीएमसी को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो फिर ये तय हुआ कि भाई ठीक है, अब हम लोग दोबारा से इस पर विचार करें। तो हम लोगों ने जब छठवें दौर की बातचीत की तो उसमें यह हुआ कि भाई हम लोग अपनी तरफ से समाधान उनको भेज देते हैं और वो समाधान क्या क्या हो सकते हैं। तो हम लोगों ने एपीएमसी के मामले में उनकी चिंता थी ये कमज़ोर होगी, तो ये तो हम पहले से ही कह रहे थे कि एपीएमसी को भी सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन उनकी चिंता ये थी कि कुल मिला के एपीएमसी के भीतर टैक्स होगा और बाहर जो है ट्रेड होगा उस पर टैक्स नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई राज्य सरकार प्राइवेट मंडी को भी रजिस्टर्ड कर सकती है और उस पर वो टैक्स लगा सकती है जैसा कि अंदर लगा हुआ है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है और इसमें आपका समाधान हो सकता है। न्यायालय के जो बात थी तो हमने कहा आपको लगता है एसडीएम के न्यायालय में समाधान नहीं हो पाएगा, तो हम जुडिशली के रास्ते भी खोलने पर विचार कर सकते हैं। जो ट्रेडर है, आप कहते हैं पैन कार्ड से खरीद करेगा तो धोखाधड़ी हो सकती है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार कर सकती है। पराली के वाले में हम लोगों ने कहा कि भाई वो जो ऑर्डिनेंस है बिल्कुल।